किसान दिल्ली के दरवाजे पर आकर खड़ा हो रहा है, बार बार पूछ रहा है हाउडी मोदी, उसका जवाब मोदी जी नहीं देते। अमेरिका में जाकर जवाब देंगे हाउडी मोदी का, वोट यहां से मिला उत्तर जाकर अमेरिकन को देंगे, व्हाई डू यू डू दिस मोदी। आज जब हम यहां बैठे हैं, लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं अपने हक की मांग करते हुए। 20,000 करोड़ बकाया गन्ना किसानों का, हम ये प्रश्न उठाएंगे। हरियाणा के भी किसान हैं, उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी किसान हैं। आज जब हम यहां बैठे हैं, 15 लाख नौकरियों का भी हम हिसाब मांगेंगे जो पिछले 3 महीनों में लोगों ने गवाई है इस सरकार की नीतियों के चलते। 20 लाख करोड़ जो स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ महीनों में डूबा है, यह भी मुद्दा हम जनता तक ले जाएंगे। कर लें ये जितने भी प्रयास करना चाहते हैं ध्यान हटाने के लिए, लेट देम ट्राई एंड डिस्ट्रैक्ट अस, डाइवर्ट आर अटेंशन, वी विल स्टिक टू दीज pro people issues, the issues of those farmers, lakhs of them sitting at the outskirts of Delhi demanding their dues, the sugarcane farmers from Haryana and western UP, those 15 lakh people who've lost their jobs in the last 3 months, the lakhs of crores that got lost in the stock market. We'll take those issues also to the people. इतनी फैक्ट्रियां बंद हुई पिछले 3-4 महीनों में, बड़े बड़े जिनके नाम मानते हैं, जिनकी ब्रांड्स की वैल्यू है पूरे विश्व में, आज वो बंदी के कगार पर हैं। ये तमाम मुद्दे हम जनता के सामने आने वाले चुनाव में ले जाएंगे। हम ये भी पूछना चाहेंगे कि एक तरफ तो आप एक पूर्व केंद्रीय मंत्री को बिना साक्ष्य, बिना सबूत, बिना कारण के जेल में रखते हैं। कल मेरे एक वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी ने आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा रखा था कि फाइल जब मंत्री तक पहुंचती है तो 10-11 साइन होने के बाद 12वां साइन मंत्री का था। वो 11 लोग सरकार में हैं क्योंकि कुछ गलत नहीं पाया गया था। लेकिन मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी को आपने अंदर रख दिया, और साक्ष्य सबूत एक लड़की के बयान के बावजूद आपके अपने पूर्व मंत्रियों के साथ आप 5-स्टार ट्रीटमेंट रखते हैं, पूरा भरसक प्रयास करते हैं कि वो अंदर ही ना जाएं। ये तमाम चीजें लोग देख रहे हैं। आप कितना ही भटका दीजिए, जनता आपके तमाम कारनामे अच्छी तरह से देख रही है। आप घबरा जाते हैं हेडलाइन मैनेजमेंट जब आपकी फेल हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं जब आपकी इवेंट मैनेजमेंट भी फेल हो जाती है, तब आप कुछ जहां सर्जरी की जरूरत है वहां बैंडेड लगाने आ जाते हैं। हम ये मुद्दा भी उठाएंगे। झारखंड की जनता भी इंतजार कर रही थी, सब इंतजार कर रहे थे। ये जो वन नेशन वन पोल कहने वाले 3 राज्यों में तो इकट्ठा चुनाव करवा नहीं पाते और कहते हैं वन नेशन वन पोल। महाराष्ट्र और हरियाणा, महाराष्ट्र में किसान आत्महत्याओं का दौर इतना गंभीर और विकराल रूप धारण कर चुका है कि वो प्रतीक्षारत हैं, चुनाव हो और वो सरकार को कटघरे में खड़े और सरकार को खड़ा करे और सरकार को बदले। हरियाणा में आपने शिक्षकों पर डंडे बरसाए, कानून व्यवस्था एकदम खत्म हो गई है, चारों तरफ भूमाफियाओं का राज है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। ये तमाम मुद्दे इस चुनाव में कांग्रेस बखूबी से उठाएगी। LIC एक ऐसी संस्था है जिस पर लोगों का भरोसा था,
जहां लोग अपना निवेश छोटा छोटा करके चैन की नींद सोते थे। इस सरकार ने तमाम ऐसी संस्थाओं पर कुठाराघात किया है। LIC तो एक बहुत बड़ा और ज्वलंत उदाहरण है। जब RBI को कि कैपिटल रिजर्व्स तक को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, डिविडेंड लेना अलग बात है, कैपिटल रिजर्व्स को किसी और सरकार ने कभी हाथ नहीं लगाया था, तो पूरी व्यवस्था पर निवेशकों का, छोटे निवेशकों का, बाहर के निवेशकों का, तमाम निवेशकों का विश्वास खत्म हो चुका है। ये जो ऊपर की लीपापोती है, प्रोपेगेंडा है, पब्लिसिटी है, इससे आप वो विश्वास अर्जित नहीं कर पाएंगे। 27 साल इस देश में जब गठबंधन की सरकारें रही हैं, आप 27 साल का रिकॉर्ड देखेंगे GDP का, विकास का, ग्रामीण विकास का, और कंपेयर करिएगा इन सरकारों से जो पिछले 5-5.5 साल से हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक सबसे बड़ी ताकत है कि चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, और अगर वो गठबंधन की सरकार होती है तो उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार को सम्मान करना चाहिए, जिस तरह का उनको बहुमत मिला, मैंडेट मिला, लेकिन पिछले 5 साल में ही अगर सम्मान नहीं किया तो अब उम्मीद कर लेना, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी बात है। इनसे कोई उम्मीद रही नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि तमाम संस्थाएं अब इनकी गुलाम हो गई हैं। सरकारें संविधान के तहत चलती हैं और जनता की गुलाम होती हैं, उल्टा नहीं होता। ये अब हमने उल्टी गंगा बहती हुई देखी है। देश की कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो नाजुक होते हैं, उनको आप, उनके साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। बिना सबको साथ लिए कोई निर्णय मास्टर स्ट्रोक करके लेना चाहें आप, नोटबंदी उनमें से एक है, उसका खामियाजा आज आप पूरा देश भुगत रहा है। तो आप जब भी कोई ऐसा निर्णय लें, चुनाव सर्वोपरि नहीं होता, देश सर्वोपरि होता है। द कंट्री इज sacrosanct, नॉट द इलेक्शन। तो आप देश के हित में निर्णय लेंगे, वो निर्णय कड़वा हो, मीठा हो, कसैला हो, खट्टा हो, मायने नहीं रखता, देश का हित होना चाहिए। और अगर आप लोकतंत्र की जो व्यवस्था है सबको साथ लेकर चलने की, जो ना केवल लोकतंत्र की व्यवस्था है, वो हिंदुस्तान की जो हमारी सिविलाइजेशनल, जो हमारा DNA है उसमें है। पंच परमेश्वर क्या मतलब हुआ उसको, 5 लोग जो अलग अलग समाज के हिस्सों से आते हैं वो मिलकर चर्चा करें, यहां मिलकर चर्चा करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब उसको आप मास्टर स्ट्रोक कहिए, हीट स्ट्रोक कहिए, ब्रेन स्ट्रोक कहिए, वो आप जाने। पूरा देश उनसे पूछ रहा था, हिंदुस्तान का ही एक एक हिंदुस्तानी जानना चाह रहा था, वो 15 लाख बेरोजगार नौजवान जानना चाह रहे थे हाउडी मोदी, उन्हें तो उत्तर मिलता नहीं है। सिर्फ वोट अर्जित करके सरकार बना लेना अगर आपका मकसद है तो हाँ, आप उसमें सफल हुए। उसके बाद सरकार चलाना, मुझे लगता है लोकतंत्र का सबका मकसद वो होता है जो इलेक्शन में लड़ने जाता है, कि मैं जीतकर सरकार अच्छी तरह सुचारू रूप से चलाऊं, और वी शुड डिलीवर ऑन आवर प्रॉमिसेस। एक सेकंड खत्म कर दूं, ज्ञान जैनेन्द्र एक मिनट, एक सेकंड मैं खत्म कर रहा हूं। तो खट्टर साहब भी उसी घोड़े पर सवार हैं कि कहीं किसी ने तथाकथित मास्टर स्ट्रोक कर लिया, चलिए हम भी उसी घोड़े पर सवार हो जाते हैं, नैया पार हो जाएगी। आपने 5 साल हरियाणा में क्या किया, क्या आप उन प्रश्नों से बच पाएंगे? आपने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, और ये मजाक आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। एक तरफ तो एक ऐसी सरकार है जो प्रचार ही करती रहती है, उनका काम नहीं दिखता। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अपना काम चुपचाप से तैयार करके रखती है, उनका प्रचार सही वक्त पे हमारा दिखेगा आपको। इतनी जल्दी प्रचार कर लेना, जिनके पास अरबों रुपए हैं वो करें, हम पूरा ग्राउंड वर्क करते हैं। हमारी जो राज्य की इकाई है, जिले की इकाई है, ब्लॉक की इकाई है, वो हमें मुद्दे देती है कि इन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए, हरियाणा का या महाराष्ट्र का, या जैसे आपने पूरा उदाहरण दिए मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का। और फिर एक स्पष्ट नीति बनती है कि इस मुद्दे को इस तरह से उठाना है, क्या मैसेज होना चाहिए, कब डिलीवर करना चाहिए,
ऐसा नहीं है कि भरपूर धन है पूरे 5 साल उड़ाते रहिए। हम इसलिए राजनीति में नहीं आए हैं। लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया चुनाव है। वो एक हथियार है जो वोटर के हाथ में रहता है, जिससे सरकारें थर थर कांपती हैं। अगर किसी एक भी व्यक्ति को प्रक्रिया पर संशय है, वो संशय दूर करना मीडिया का, राजनीतिक दलों का, चुनावी संस्थाओं का, सरकारों का, अदालतों का, सबका कर्तव्य है कि वो संशय दूर करें। मैंने आपको कुछ मुद्दे गिनाए और यह भी कहा कि जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दे जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को आहत कर रहे हैं, वो मुद्दे हम बहुत ही जोश से उठाएंगे और इस सरकार को उसका उत्तर मिलेगा। हो गया?